नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने ही चैनल जेकेटेक पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले धनी वन फ्रीडम के बारे में। तो अगर आपका धनी वन फ्रीडम आपने कैंसिल कर दिया है, फिर भी आपको 199 चार्जेस ड्यू जो चार्जेस रहते हैं वो 199 दिखा रहा है, तो इसका क्या कुछ सोल्यूशन है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने पर्सनली इनके जो धनी के कस्टमर केयर वाले हैं उनसे कॉल पे बात किया था, तो इसके बारे में मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इसके बाद मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि मैंने क्या कुछ बात किया था, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो। यस सर। हाँ हेलो, मेरे धनी अकाउंट पे है ना 199 चार्जेस दिखा रहे हैं वहाँ पे धनी वन फ्रीडम का। तो धनी वन फ्रीडम कार्ड तो ऑलरेडी बंद कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया। सर आपने डीएक्टिवेट कर दिया था कैंसिल माय प्लान पे जाके? हाँ, कैंसिल कर दिया था। यस यस सर। आपने कैसे किया था कैंसिल? हाँ, उधर धनी वन फ्रीडम ऑप्शन में जाके किया था कैंसिल। कैंसिल प्लान? यस सर। आगे कैसे किया था आपने? सेटिंग्स में जाके किया था? नहीं, धनी वन फ्रीडम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उधर नीचे ऑप्शन आता है ना कैंसिल प्लान का। यस सर, आपने कैंसिल कर दिया था प्लान। हाँ हाँ। कब किया था सर आपने ये? अभी पिछले मंथ में ही किया था। ओके। अभी भी इनएक्टिव दिखा रहा है, अभी भी इनएक्टिव दिखा रहा है, लेकिन फिर भी 199 दिखा रहा है चार्जेस। ओके सर, आप अपने रजिस्टर नंबर बता देंगे? हाँ हाँ, 998। ओके सर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सर वो आपका क्या है, वो आपको कैसे शो कर रहा है कि आप पे करिए? हाँ, ड्यू दिखा रहा है। ड्यू अमाउंट में दिखा रहा है। हाँ हाँ। ओके सर, आप एक बार ही लाइन पे रहिएगा, मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ कि आपको ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। राइट सर। ओके ओके ठीक सर, लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। यस सर। सर जैसा कि मैं अभी चेक कर पा रहा हूँ, आपने अपनी साइड से कैंसिल कर दिया, तो आपको वो अगर दिखा रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसके अंदर आपको वो पे नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ आपने अपनी साइड से कैंसिल कर चुके हैं प्लान। यस यस। यस सर। और एक मेरे दोस्त के भी अकाउंट पे सेम ही इशू आ रहा है। और आपके दोस्त को वही ये सेम इशू आ रहा है, वही दिखा रहा है सर। यस सर, उनको भी एक बार सर आप एक बार उनका नंबर बता देंगे मुझे? चेक कर लेता हूँ। उनको भी ऐसे ही शो कर रहा है कि वो जो 199। सर आपको वो पे नहीं करना, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने देख लिया आपका यहाँ से कैंसिल है, आपने कैंसिल करा था, वो आपके फ्रेंड ने भी कैंसिल करा था। नहीं नहीं, वो हर महीने ना। नो सर, अभी आपकी साइड से तो सर वो कैंसिल हो रहा है ना प्लान। हाँ, तो बस आप उसको एक्टिवेट मत कर देना, अगर आपने जहाँ एक्टिवेट कर दिया आपको वो पे करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है। और ऑटोमेटिकली बैंक से तो नहीं कटेंगे ना? नो सर। ओके ओके ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग धनी। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने धनी के जो कस्टमर केयर है उनसे बात किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर आपके अकाउंट पे अगर आपने खुद से अपना जो धनी वन फ्रीडम का प्लान है वो कैंसिल कर दिया है, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे कि जो प्लान है 199 वो दिखाएगा आपको अपकमिंग प्लान, मतलब जो भी आपको ड्यू अमाउंट दिखा रहा है 199 वो आपको दिखाएगा। आपने अपने तरफ से मतलब कैंसिल किया है तो उसको आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फिर से एक्टिवेट करते हैं कार्ड को तो आपको 199 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और कॉल रिकॉर्डिंग भी अपने पास है दोस्तों, अगर कोई भी आगे चल के दिक्कत हुई तो कॉल रिकॉर्डिंग एक प्रूफ की तरह अपने पास है, तो इसे हम कहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, धनी वालों को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर जो अमाउंट है ड्यू अमाउंट वो बढ़ रहा है हर महीने आपको लगा रहा होगा, तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने की है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पास जो एक प्रूफ रहेगा। तो यही है दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट धनी की तरफ से। तो अगर आपको 199 रुपीज़ आपके अकाउंट में दिखा रहे, तो अगर आपने प्लान कैंसिल किया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने प्लान कैंसिल नहीं किया है तो 199 रुपीज़ तो आपको भरना पड़ेगा। तो भरने के बाद आपको प्लान कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद आपको फिर से जो अमाउंट है वो नहीं दिखेगा। तो इतना ही था दोस्तों, आपको आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और दोस्तों अब तक
अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय।